दोस्तों, अभी तक आपने यही सुना होगा कि ड्राई फ्रूट्स खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इनको जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स में पोषक तत्वों और ऊर्जा का भंडार होता है। इसे खाने से आपके चेहरे पर निखार भी आता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं, लेकिन यदि आप इनका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपकी सेहत पर विपरीत असर भी डाल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ड्राई फ्रूट्स को अपने डाइट चार्ट में शामिल करने से पहले आप न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह जरूर लें, खासकर जो लोग किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और डाइजेशन संबंधित बीमारियों से पीड़ित होते हैं, वो चिकित्सक की सलाह के बाद ही ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के फायदे और नुकसान के ही बारे में बताने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स में फाइबर की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। फाइबर हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा फाइबर कंज्यूम करने पर पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है, इसीलिए इसे भिगोकर खाएं तो ये आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन वहीं अधिक ड्राई फ्रूट्स खाने से कब्ज की समस्या भी हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट की माने तो एक दिन में 5 बादाम शरीर के लिए बहुत है। अगर आपको इसे ज्यादा कंज्यूम करना है तो धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाएं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के सेवन से तेजी से वजन बढ़ता है। रिसर्च के मुताबिक 3500 कैलोरी कंज्यूम करने पर 1 पाउंड वजन बढ़ जाता है। डाइट चार्ट में ड्राई फ्रूट शामिल करने पर आप 250 कैलोरी ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। इस हिसाब से 1 महीने में 2 पाउंड वजन आसानी से बढ़ सकता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, ड्राई फ्रूट्स में शुगर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, जो ड्राई फ्रूट फॉर्म में मौजूद होती है। मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स मॉइस्चर से बचाने के लिए शुगर कोटिंग में रखे जाते हैं। शुगर दांतों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। खाने के बाद ये हमारे दांतों से लंबे समय के लिए चिपक जाते हैं और धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जब कभी ड्राई फ्रूट खाएं तो अपने दांतों को बचाने के लिए ब्रश जरूर करें। इसके अलावा ड्राई फ्रूट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ज्यादा मात्रा होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट की वो मात्रा जो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाती है। ड्राई फ्रूट ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को तेजी से बढ़ाता है और जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन कुछ देर में ही ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है और जिसे शुगर क्रैश कहते हैं। शुगर क्रैश की वजह से थकान महसूस होने लगती है। ड्राई फ्रूट अस्थमा मरीजों के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं होता। कीटाणु से बचाने के लिए ड्राई फ्रूट को सुरक्षित रखने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अस्थमा मरीजों के लिए ठीक नहीं है। ड्राई फ्रूट को सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन ये केमिकल शरीर और पर्यावरण दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों, आपको ड्राई फ्रूट्स के फायदों के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको इसके नुकसानों के बारे में पता था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी ही तमाम स्वास्थ्य वर्धक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।